नौटंकी करना अरविंद केजरीवाल सरकार की आदतों में शामिल है। बिना नौटंकी किए दिल्ली की सरकार को कुछ हजम नहीं होता है। ताजा मामला बिजली सब्सिडी का है। बिजली मंत्री आतिशी मार लेना ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में ऐलान कर दिया कि दिल्ली वालों आपको फ्री में बिजली बंद, अब सब्सिडी वाली बिजली नहीं मिलेगी, और साथ में इसका ठेकरा एलजी के माथे पर फोड़ दिया कि उन्होंने फाइल पर दस्तखत ही नहीं किए। पलटकर उपराज्यपाल की तरफ से बयान दिया गया कि बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें, उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली मंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी। एलजी को 15 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल, और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है। इसके पहले भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच इस तरह की तकरार हो चुकी है। फाइल भेजी नहीं जाती और भेजी जाती है, तो एकदम अंतिम वक्त में कौन बिना पढ़े और समझे उस पर दस्तखत कर देगा? अगर नहीं तो इस तरह के ड्रामे को जो आतिशी मार लेना ने किया। बिजली को लेकर और भी कई बातें हैं, जैसे कि एलजी चाहते हैं कि बिजली सब्सिडी का पैसा उपभोक्ताओं को सीधा उनके अकाउंट में भेजा जाए ताकि गड़बड़ी की कोई आशंका न रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधे कंपनी को सब्सिडी का पैसा देना चाहते हैं और दे रहे हैं। सारा खेल इसी का है। उपभोक्ता कितने हैं, उसमें असली कितने हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर होगा तो किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और राम निवास के बीच पिछले कई महीने से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली, पानी और सब्सिडी पहले की तरह जारी रखना चाहती है, जबकि एलजी ने एक पत्र के जरिए सुझाव दिया था कि सब्सिडी सीधा उपभोक्ताओं के अकाउंट में भेजी जाए। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तभी से बिजली और पानी बिलों पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। अक्टूबर 2022 अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना में बदलाव करते हुए मांगे जाने पर सब्सिडी देने की बात कही थी, और इसके लगभग 25% लोग सरकार के बिजली सब्सिडी के दायरे से ऐसे में बाहर हो गए थे। इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि DERC के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार इस पूरे मामले पर ध्यान दे, इस नुकसान से बचा जा सकता है। रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार को जल्द स्पष्टीकरण देने को कहा था।